सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को और साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, यहां पर जो सैमसंग का बजट सेगमेंट का फोन है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ऑफलाइन मार्केट में बिकता है और सबसे पॉपुलर जो है इसका J2 सीरीज है। तो गाइस, यहां पर सैमसंग अपना J2 2018 वाला वेरिएंट बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, बताऊंगा इसकी स्पेसिफिकेशंस, प्राइसिंग और शेयर करूंगा अपने कुछ ओपिनियन सैमसंग गैलेक्सी J2 2018 वाले वेरिएंट की। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर ये फोन के स्पेसिफिकेशन की, देन उसके बाद में बात करेंगे प्राइसिंग की, देन उसके बाद में मैं अपने ओपिनियंस आपके साथ में शेयर करूंगा और बताऊंगा कि क्या ये फोन का आपको वेट करना चाहिए, क्या इसके कुछ अल्टरनेटिव अच्छे हैं या बुरे हैं, जो भी है हर चीज़ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इसके बिल और डिज़ाइन की। तो गाइस, यहाँ पर आपको बेसिक सा जैसा कि J2 के प्रीवियस वेरिएंट में आपको देखने को मिला था बिल क्वालिटी, उसी तरीके का यहाँ पर बिल क्वालिटी एज वेल एज डिज़ाइन भी देखने को मिलेगा। माइनर चेंजेस वगैरह करा गया है बैक से, जैसे कि आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे, आपको कैमरा और नीचे फ्लैश वगैरह आपको दिया गया है। तो गाइस, बिल और डिज़ाइन के मामले में एवरेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर ये फोन के डिस्प्ले की। तो गाइस, यहाँ पर आपको 5 इंच का 720p भी नहीं है डिस्प्ले, 5 इंच का आपको QHD मतलब क्वाड HD भी नहीं है, 5 इंच का आपको क्वार्टर HD डिस्प्ले मिलता है। रेजोल्यूशन की बात करते हैं गाइस, यहाँ पर आपको 960x540p का पैनल मिलेगा, सुपर एमोलेड का पैनल है। PPI की बात करते हैं तो गाइस, यहाँ पर आपको 220 PPI मिल जाता है। तो मतलब क्या है यार, मतलब ये डिस्प्ले है, मतलब 2018 आ गए और सैमसंग अभी भी 720p प्रोवाइड नहीं कर रहा है J2 में, क्या बोल सकते हैं। मतलब आपको, मतलब 220 PPI यार, मतलब आप डिस्प्ले लोगे, भले ही सुपर एमोलेड है तो आप ऐसा देखोगे गाइस तो पूरा पिक्सलेशन आपको देखने को मिलेगा, कलर पंची मिलेंगे, उससे मतलब नहीं यार, थोड़ा शार्प भी रहना चाहिए डिस्प्ले, एटलीस्ट 720p डिस्प्ले तो देना चाहिए था यार, मतलब QHD 2018 में। बात करते हैं यहाँ पर ये फ़ोन के रैम और स्टोरेज की। तो गाइस, यहाँ पर आपको मैसिव 1.5 GB का रैम मिल जाएगा। जी हाँ, 2018 में आपको 1.5 GB का रैम मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर आपको मैसिव 16 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी, जिसमें से आपको सिर्फ 10 से 11 GB आपको मिलेगी यूज़ करने को। तो मतलब 1.5 GB की रैम, 16 GB की इंटरनल स्टोरेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर ये फ़ोन के प्रोसेसर की, जो कि थोड़ा इंप्रूव करा गया है पिछले J2 से। घटिया J2 के प्रोसेसर रहते थे एक्सिनोस के और मीडियाटेक के, उससे थोड़ा इंप्रूव करा गया है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 का प्रोसेसर, जो कि क्वाड कोर का प्रोसेसर है, 1.4 GHz पर क्लॉक कराया गया है। GPU यहाँ पर आपको एड्रिनो का 308 का GPU मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर आप बोलेंगे गेमिंग एक्सपीरियंस, तो थोड़ा बेटर मिलेगा एक्सिनोस का जो प्रीवियस, मतलब जो मॉडल आते थे, जो मतलब एक्सिनोस के जो प्रोसेसर आते थे, उससे स्लाइटली आपको यहाँ पर बेटर मिलेगा, गेमिंग एक्सपीरियंस भी बेटर मिलेगा। क्योंकि गाइस, यहाँ पर आपको जो HD डिस्प्ले भी नहीं है, क्वार्टर HD है, तो यहाँ पर जो पिक्सल थोड़ा कम पुश करना पड़ेगा प्रोसेसर को, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में आपको थोड़ा अच्छा देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर ये फ़ोन के कैमरा की। तो गाइस, यहाँ पर वही बेसिक सा 8 MP का आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा, फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको 5 MP का मिल जाएगा, बट यहाँ गाइस, यहाँ पर आपको LED फ्लैश भी देखने को मिल जाएगा। तो कैमरे की बात करते हो, फ्रंट कैमरा अच्छा रहेगा, रियर कैमरा आपको ठीक ठाक, जैसे कि J2 Pro वगैरह में अपने देखे थे, उसी तरीके का यहाँ भी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर ये फ़ोन के सेंसर्स की। तो गाइस, यहाँ पर आपको सभी तरीके के सेंसर नहीं मिलते हैं, यहाँ पर आपको एक्सीलोमीटर सेंसर मिल जाएगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाएगा, और गाइस, यहाँ पर आपको कंपास भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको जायरो सेंसर भी नहीं मिलेगा, एज वेल एज यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको आयर ब्लास्टर भी नहीं मिलेगा। तो सेंसर्स के मामले में सिर्फ आपको 2 से 3 बेसिक सेंसर यहाँ पर सैमसंग प्रोवाइड करता है। बात करते हैं यहाँ पर ये फ़ोन के एंड्रॉयड वर्जन की। तो गाइस, ये ओरियो के साथ तो डेफिनेटली नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये सैमसंग है। यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा नोगट 7.1.2 के साथ में आएगा, सैमसंग का एक्सपीरियंस UI जो कि थोड़ा बहुत अटकता है, उसके साथ में यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। बैटरी लाइफ जो कि इसका बहुत ही हाईलाइटिंग फीचर है, यहाँ पर आपको 2600 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि एक दिन चल जाए तो भी बहुत ही बड़ी बात रहेगी, फास्ट चार्जिंग तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करना। तो गाइस, ये थे कुछ घटिया स्पेसिफिकेशन सैमसंग गैलेक्सी J2 2017 जो कि आने वाला है इंडिया में। ऑफलाइन में अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा बिकने वाला है, क्योंकि मतलब सैमसंग के पीछे लोग पागल है। तो बात करते हैं यहाँ पर ये फ़ोन के प्राइसिंग की। तो आप सोच रहे रहेंगे कि यार चलो स्पेसिफिकेशन घटिया है तो प्राइसिंग थोड़ी कम रहेगी, आप सोच रहे रहेंगे कि 5 से 6 हज़ार की प्राइस पॉइंट पे ये लॉन्च होने वाला है, तो फिर भी ठीक है यार, 5 से 6 हज़ार की सैमसंग एज अ ब्रांड आप देखो तो 5-6 हज़ार में बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन है ये भी। बट गाइस, यहाँ पर जो इसकी जो इंटरनेशनल प्राइस है, ये ऑलमोस्ट अगर इंडिया में कन्वर्ट करूँ तो गाइस ऑलमोस्ट ये 9000 के आसपास देखने को मिलती है। तो गाइस, अगर 9000 में ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होता है
तो यार बिल्कुल भी सबसे घटिया, मैं आपको कैंसल अभी से बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी ये फोन के पीछे मत भागना। ऑल्टरनेटिव की बात बताता हूँ, रेडमी फाइव आने वाला है, 3GB 32GB वाला वेरियंट आपको मिलेगा, वो आप ले सकते हो 9 से 10 हज़ार की प्राइस पॉइंट पे। और भी बहुत सारी यहाँ पर मार्केट में ऑप्शन है, लेनोवो का K8 प्लस वगैरह भी है, तो गाइस बिल्कुल भी मत लेना। 9000 में सैमसंग ने एक और एक कचरा यहाँ पर लॉन्च कर दिया, तो गाइस मैं तो आपको ये फ़ोन रेकमेंड नहीं करूँगा। वीडियो क्यों बनाया हूँ, क्योंकि आप लोगों को आगाह कर दूँ कि भाई ये सैमसंग ये फ़ोन यहाँ पर लॉन्च करने वाला है, बिल्कुल भी ये फ़ोन की तरफ देखिएगा ही मत। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।